गाइस और इतनी हंसी आ रही है, ये बच्चा इतना डर रहा है और इन्होंने इसे इतना कस के पकड़ रखा है, ये बहुत डर रहा है। पर देखिए बोलो हेलो एक बार, ये देखो कैसे मना कर रहा है। खानदानी पहलवान है ये, मेसी पहलवान के जो हैं सपुत्र हैं, एक बात बहुत स्वागत है इनका। कांटे होते बहुत खतरनाक, पहाड़ी लैंग्वेज। अच्छा, पहाड़ी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? खतरनाक होते, एक लग जाए तो दो पहाड़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये वाले? तो जी जी, आपने तो कैसे आराम से पकड़ा हुआ इसको बिच्छू पौधे को? मैंने थोड़ा तरीके से पकड़ रखा ना, तो मैंने आपको पौधा ये दिखा दिया, तो कभी भी इस पे हाथ मत लगाना, टच मत करना, वरना तो आपकी आत्मा परमात्मा में के साथ मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। और बारिश देखो कितनी तेज स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज हो रही है इस टाइम पे। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं बो के मेले में सब लोग, और पार देख लो, पार कैसे भागना चालू कर रहा है आगे आगे। अरे रुक जा, अभी चल रहे हैं हम लोग मेले में, रुक जाओ। पार कहाँ जा रहे हो आप, रुको इधर। वो देखो ये जो लाइन बनी हुई है ना, यहाँ से पानी आया था एकदम से, सैलाब जो सारा कुछ बहा ले गया था अपने साथ, जो हादसा हुआ था 11 लोग मर गए थे। तो अभी भी वहाँ पे घर मकान टूटे पड़े हैं। और पार्थ रुको, वो तो अपना मस्ती करने जा रहा है, देख लो कहाँ भाग रहा है अपने अभी। और मेला लगा हुआ नीचे, अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। रास्ता कहाँ से मोनी? देखिए हिमाचल का मेला किस तरीके से लगता है, ये हिमाचल का मेला लगा हुआ है। और देखो झूले वूले भी, और देखो अभी नीचे हो रही है पहलवानी। और देखो पहलवानी हो रही, बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। हाँ फाइनली हम लोग पहुंच गए मेले के अंदर, और अब आप देखिए हिमाचल का मेला है कैसा। और यहाँ जलेबी देखो, अभी बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी और पकौड़े, ये देखिए। वो पार्क को तो अभी लेंगे। और देखिए कितनी सारी स्टॉल्स भी लगी हुई है यहाँ पे, ये देखो दोनों तरफ। भाई अभी हम यहाँ पे ग्लास लेने खड़े हुए थे, मैंने एक ट्राई किया, ये लोग कह रहे कि अच्छा ही नहीं लग रहा है, बताओ क्या करूँ यार, तो मैंने रखवा दिया। जी जी आपने लेना, आप ले लो, ट्राई कर लो एक, तो ले नहीं रहे, मैं दिलवाने के लिए तैयार हूँ और ये लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं। पार्थ अभी यहाँ पे सामान खरीदने के लिए खड़ा हो गया टॉयज, और कह रहे हैं कि पापा नहीं दिलाते हैं, तेरे को पापा नहीं दिलाते हैं, कितना नॉटी हो रहा है ये देखो। अभी ये खड़ा हो गया, अभी देख लो सब अपने टॉयज लेने के लिए। भैया अभी परेशान हो गए पार से, क्योंकि ये कुछ ना कुछ निकाल के बोले जा रहे, कभी ये कभी वो देखो। भाई मेले में काफी भीड़, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं, मगर जितना बड़ा ये मेला है उस हिसाब से यहाँ पे रश अभी इस समय काफी हो रखा है। अभी भी हम लोग देखते हुए जा रहे हैं, वैसे अब तो आगे हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ खा लेते हैं पहले, क्योंकि सभी को भूख लग रही है, फिर उसके बाद थोड़ा और घूमेंगे। तो चल ही रहे हैं अभी। तो भाई अभी ये लोग खड़े हो गए यहाँ पे गोलगप्पे खाने, भैया गोलगप्पे बना के दे रहे हैं बढ़िया तरीके से। और ये देखो लाओ भैया, अपने मुँह का साइज बताओ, गोलगप्पे खिला रहे हैं तुम्हें जल्दी। चलो भाई सबसे पहला गोलगप्पा गया पार्थ के पास, और पार्थ खा रहा है वो देखो। ठीक है मैं छोटे लूंगा, आप देखो भैया इनके मुंह के साइज ले लो, उस हिसाब से देना इनको गोलगप्पे। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। कोई बड़ा निकलेगा तो हंसना मत ना, नहीं नहीं भैया सब आ जाए हमें। चलो चलो खाओ खाओ खाओ, छोटा होगा कोई बड़ा नहीं होगा, कोई सब लोग खा रहे हैं, मेरे को भी खिला दो। और बताओ कैसा है, टेस्ट अलग है ना? बढ़िया टेस्ट है, मजा आ रहा है। तो भैया अभी हम लोग आए थे थोड़ा सा कुछ खाने, और यहाँ पे अभी मिल रहे हैं जलेबी और पकोड़े जो हमने ऑर्डर करे, तो अभी वही ले रहे हैं। बाकी सब लोग नीतू दीदी और
मैं तो नाम ही भूल गया है, ये लोग पीछे बैठे हुए अभी। और जी अजी ले रहे हैं अभी यहाँ से पकौड़े और जलेबी। तो वही अभी ज़्यादा अरेंजमेंट और जगह नहीं मिली तो हम लोग ऐसे खोल के अभी यहाँ पे सब लोग अब खाने पे लग गए हैं। ये देख लो, और पार्क खा रहे जलेबी है, तो है ना मज़ा आ रहा है, अच्छा खा ले, अच्छा लग रहा है। और पार्क अभी खा रहा है सिर्फ जलेबी। मीतू इतना सा खा ले, थोड़ा सा भाई हमारा तरीका देख लो, हमने तो बस ऐसे पैकेट खोला है फाड़ा और चालू हो गए यहाँ पे जलेबी का भी है। सज्जू अभी दे रहा है चटनी खोल के, और देख रहे हो भैया खाना है, मैं इधर पे ध्यान दो आप, ठीक है इधर आ जाओ। और जिया जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ बैठ के खा ही लूँ यार। तो ये मेले का माहौल कुछ इसी तरीके का है यहाँ पे, ये देखो। तो भाई अभी सब लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, मोमोज और चाउमीन खाने ऑर्डर कर दिया है, सबके मुंह के साइज ले लिए, उस हिसाब से मोमोज बनवाए हैं, तेरे मुंह का साइज भी लिया मैंने, ठीक है। हाँ भाई अभी मोमोज मंगाए थे और ये देख लो सब चट कर गए, अभी दो प्लेट आए थे, अभी दो और मंगा रहे हैं, तो वो देख लो। और पार्थ भी यहाँ पे मोमोज खा रहा है, कह रहे नहीं है अच्छा नहीं है। तो भाई अभी मोमोज चाउमीन सबने खा लिए, मैं बना नहीं पाया, मैं तो भूल गया था क्योंकि चाउमीन बड़ी टेस्टी थी। तो अभी फिलहाल मीतू खा रही है, तो इसी को देख लो कि मतलब चाउमीन टेस्टी थी, तभी हम लोगों ने फटाफट फिनिश कर लिया, देखो सबने। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं झूले में झूलने ऊपर, और हम लोग पार्थ और सुहाना को नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि ये लोग छोटे हैं और उनको डर भी लगेगा, और पार्थ फिर सेफ भी नहीं है क्योंकि ये लोग अगर हिले उलेंगे तो दिक्कत होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर झूलने, तो दीदी आप लोग यहीं पर रुको ठीक है ना, और इनको देखना हम लोग आते हैं, ठीक है ओके। मीतू बैठने जा रही है झूले में और मैं भी बैठ ही रहा हूँ बीच में, भैया दो ही बिठाऊंगा। तो अभी राहुल और मोनी वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग इधर पे हैं, वो एकदम हमारे अपोजिट हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में चलेगा ये झूला हमारा। राहुल पार्थ और पार्थ वो नीचे बैठा है दीदी के साथ। तो अभी मैं और मीतू इधर पे बैठे हैं काफी टाइम से, और देखो पहाड़ों का इतना व्यू देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी काफी ऊंचाई पे थे और इस झूले में आने के बाद तो और ऊंचाई पे हो गए हम लोग, देखना पार्थ वहाँ से हमें कैसे देख रहे हैं, पार्थ हमें देख रहे हैं नीचे से, वो देखो दीदी के साथ बैठा हुआ गोदी में। और भाई हमारे पीछे नदी भी बह रही है, देखो पानी कैसे बह रहा है वहाँ पे नदी में, कम है मगर चल रहा है पानी अभी भी, लेकिन ये पत्थर ये सब ऊपर से ही। तो भाई अभी हमारे चलने लगा था मगर रोक दिया है, पता नहीं किस लिए रोक, नहीं रोक इसलिए दिया था कि अभी एक बाइक और बिठाया हमारे साथ है, अब चालू हो गया हमारा झूला और हेलो हाय करने आ रहे हैं, चालू कर दो वीडियो में हो गया, ये मजे आ रहे हैं कितने, डरना नहीं डरना नहीं, ठीक है डर लग रहा है मगर डरना नहीं है, मैंने आपको ठीक है ना, कस के पकड़ लूँ आपको। भाई हमारे भाई को डर लग रहा था और मैंने इसको कस के पकड़ लिया, ये ट्राई करेगा फूल, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं होता, आपको पकड़ रखा है भाई, हमारा भाई बहुत डर रहा है, इसको डर लग रहा है, कह रहा मेरे को कस के पकड़ो, तो अब इसी को पकड़ रखा हमने, नहीं नहीं ऐसे नहीं डरते आप, इतने स्ट्रांग हो ना गाइस, और इतनी हंसी आ रही है, ये बच्चा इतना डर रहा है और इन्होंने इसे इतना कस के पकड़ रखा है, ये बहुत डर रहा है, खराब हो गई है। भाई शहरी और पार्थ को मैंने अंदर छोड़ दिया, ये लोग खूब मस्ती मार रहे हैं, खेल रहे हैं अभी, ये देखो देखो पार्थ और शहरी कितना एंजॉय कर रहे हैं, हैं पार्थ जंप कर बेटा, जंप 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 जंप, उसको थोड़ा डर।
तो भाई मैं अभी आप लोगों को इस मेले की एक चीज और सुनान दिखा दूं कि यहाँ पे अभी हो रही है पहलवानी, कुश्ती की चैंपियनशिप हो रही है, जीतने वाले को 21,000 का और हारने वाले को कुछ मिलता है, मतलब हारने वाले को भी अभी एक काम करा देंगे। ये लो जी कुश्ती हो गई है स्टार्ट। बट हम लोगों को घर से निकलना है, अभी नहीं निकले तो काफ़ी लेट हो जाएंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अभी ऐसे 5 बज गए, हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे तो अभी तो, बट अच्छा लग रहा है देख के, हमें बहुत अच्छा लगा। वही रुक जाओ भैया, अभी थक गया है थोड़ा, चल ले। ये लोग अभी यहाँ पे तरबूज लेने खड़े हो गए थे, तरबूज ले रहे हैं, काट के कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अभी वही ले लिया इन्होंने, मीतू ने यहाँ से तरबूज। हाँ हाँ खा के देख लो, खा के देख लो। भाई हमारे पार्थ की डिमांड आई है कि पार्थ को तरबूज टेस्ट कराया जाए तभी लिया जाएगा। और ये अभी राहुल की गोदी में चढ़ा हुआ है, राहुल को अच्छी नींद आएगी है ना, क्योंकि खूब थक गया है ना राहुल। तो भाई यहाँ के मस्त माहौल में अभी हम लोगों ने आज देखा है हिमाचल का मेला। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग अभी मेले में आए हुए थे और मेला देख के जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितना शोर मच रहा है, बट ये है कि मेला यहाँ पे ज़्यादा देर, मतलब लेट स्टार्ट होता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि रात के टाइम में ज़्यादा देर नहीं चलता। बट अभी मेरे को बताया जा रहा है कि ये चलेगा, देर तक चलेगा, थोड़ा बहुत 7-8 बजे तक चलेगा। और तो भाई जिया जी कहाँ पे पैर धो रहे हैं, ये हिमाचल में जगह जगह पानी निकला रहता है ना साफ सुथरा, ये देख लो गंदे कर रहे हैं, देख लो पैर धो धो के। ये देखो हमारी वाली भी मैडम चल दी, अब इसमें मत फैल जाना एकदम, ठीक है ना, जैसे नदी में फैल गई थी। हेलो नहीं पार्थ, आप नहीं देखने में। जिया जी कौन सा पौधा पकड़ रहे हैं, जिया जी कौन सा पौधा है बताना जरा। ये इसको बोलते हैं बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी? हाँ बिच्छू बूटी है। क्या क्या होता है जिया जी? इसके कांटे होते बहुत खतरनाक, पहाड़ी लैंग्वेज। अच्छा पहाड़ी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? खतरनाक होते, एक लग जाए तो दो दिन। पहाड़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अच्छा ये वाले। हाँ। तो जिया जी आपने तो कैसे आराम से पकड़ा हुआ इसको बिच्छू पौधे को? मैंने थोड़ा तरीके से पकड़ रखा ना इसको। अच्छा अच्छा, अगर अगर इसका वो लग गया कांटा तो दो दिन इसमें ऐसे लगता है जैसे इंजेक्शन लगाया। अच्छा चलो जी भाई, बड़ा खतरनाक पौधा है ये तो वाकई में ही। तो भाई देखा भी जिया जी ने हमें इस पौधे के बारे में क्या बताया कि ये पौधा बड़ा जहरीला और खतरनाक है, ठीक है।
तो भाई आप लोग कभी भी हिमाचल आओ तो मैंने आपको पौधा ये दिखा दिया, तो कभी भी इस पे हाथ मत लगाना, टच मत करना, वरना तो आपकी आत्मा परमात्मा में के साथ मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी, ठीक है? आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और ये देख लो, ये मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है कदा, उतर जा। हाँ अभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा वो भाई। अभी सडनली एकदम से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी हम लोग निकलने ही वाले थे तो अब पार्क को अभी छुपाया जा रहा है शेल्टर में। और ये देखिए बारिश स्टार्ट हो ही गई है यहाँ पे, तो हम लोग सब अभी नीचे को होने हैं क्योंकि गीले हो गए ना तो यहाँ पे तबीयत खराब हो जाएगी। अभी पार्थ, नीतू और इनको यहाँ पे कर दिया क्योंकि पार्थ की तो तबीयत खराब थी, तो बच्चों को साइड में कर दिया अभी। और ये देखो जी बारिश काफी तेज स्टार्ट हो गई है। ओए ओए ओ भैया, अरे अरे यार भाई, यहाँ का मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अभी जो नीचे में आप मेले में देख रहे हैं सब लोग भागने लगे और यहाँ पे जमा हो गए अभी आ रहे थे सब लोग। देखो और बारिश देखो कितनी तेज़ स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ हो रही है इस टाइम पे। भाई बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई है कि अब निकलना मुश्किल है और हम लोग इस टाइम पे शेल्टर में खड़े हुए सब लोग। उधर पे मेला लगा, मेले में इस टाइम पे बुरा हाल हो गया मतलब बारिश से, और सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि पार्क के लिए हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ा और पार्क को सब छुपा रहे हैं। तो अभी पार्क को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, जैसे ही रुकेगी बारिश वैसे ही हम लोग निकलेंगे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया और हम लोग बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज बारिश हो गई है यार इस टाइम पे। तो भाई अभी बारिश हो गई है बंद, मगर अभी भी हवाएं खूब चल रही है। फिलहाल भैया आ गए हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं अब गाड़ी पे बैठ के घर की तरफ और जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि किसी भी टाइम यहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज स्टार्ट हो जाएगी। चलो भाई आ गए हम लोग अब घर, और ये देख लो ये कहाँ से उतर रहा है, ये देख लो इसका तो मेरे को समझ में नहीं आता। अभी हम लोग आ तो गए मगर यहाँ पे भी काफ़ी आंधी तूफान चलने लग गया, बहुत तेज हवा चल रही है और अभी पार्थ है, पार्थ सिर्फ झुकी गोदी में आ ही नहीं रहा, हमने कहा आ जाओ, कह रहा नहीं भैया के साथ रहूँगा। तो वैसे तो हम लोग हम घर पहुँच ही गए हैं, तो अब घर जाकर थोड़ा रेस्ट किया जाएगा क्योंकि बहुत थक गए हैं और हवा भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ चल रही है और पार्थ को तो सुलाना है अभी। अभी 9 बजे हैं और पार्थ को दिखाया जा रहा है मेंढक। मेंढक कहाँ गया? अरे वो रहा वो भाग गया, वो देखो वो भाग गया, वो रहा भाई। अभी बज गए रात के 9:30 और अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं और देख लो कितना चिल्लाते सब लोग खाना खाते टाइम, और अभी हमारा खाना बन गया है। आज भाई दाल चावल खीरा मटर पनीर की सब्जी, और अभी दीदी और निकाल रहे हैं, और पार्थ और नीतू वो देखो दोनों की तबीयत खराब है, बैठे हुए साइड में एकदम कोने। और ये इससे तो सबर ही नहीं होता है, वो पहले ही चालू हो गई है खाना, अभी हमने खाया नहीं है पहले ही चालू हो गई। खाओ। तो अभी हम लोग भी, अभी राहुल भी बैठ गया है तो अभी फटाफट अपना डिनर कंप्लीट कर लिया जाए क्योंकि ठंडा हो गया ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पहाड़ों पर ना गर्म गर्म खाना खाने में मज़ा आता है। तो वही बजे अभी रात के 10:30 और सब लोग यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, देख लो लोग पहाड़ों पे सब सो जाते हैं और हमारे यहाँ पे गप्पे मारे जा रही हैं सब बैठ कर। बाकी ये है कि भाई ठीक है, मौसम आज ठंडा हो गया, अच्छा हो गया, और अभी हम लोग जा रहे हैं अब सोने क्योंकि हम लोग काफ़ी थक भी गए हैं, काफ़ी चलना पड़ा आज बहुत ज़्यादा, तो थकान तो हो ही गई थी। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।